तो जी मैं और ताई जी निकल पड़े हैं। किस लिए ताई जी? तूड़ा, हरा तूड़ा लाने गायों के लिए। अढ़ाई में मिलेगा क्या? तो अब हम जा रहे हैं अढ़ाई में, और मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। पहले तो सबको प्यारा सा गुड मॉर्निंग और राधे राधे। वो दे वो पहले से वहां खड़ा है ताई जी के साथ, मतलब वो पहले से ही चला गया। और उधर एक तो गाय है और एक है गिल्लोड़ी, तो मैं आपको गिल्लोड़ी से भी मिलाऊंगी। हाँ, उसका नाम निकाला है हमने गिल्लोड़ी। पिछली बार आए थे तब तो एकदम छोटी सी डर जाती थी वो, तो अभी तो आए थे पिछली बार भी, थोड़े ही दिन हुए। ये देखो पूरा जो खेत है उसकी लावनी हो गई है, बस वहाँ पे साइड में वो चारे वगैरह बच रहे हैं। और यहाँ बैठता है हमारा शेरू जो कि फिलहाल यहाँ नहीं है, अपने कमरे में सो रहा है वो। तो अब बात करते करते अढ़ाई में पहुंच गए। और यहाँ पे जो ये मिट्टी है ना, इसमें बस साइड वाली में, ये तो फिर भी सही कर दी, इसमें साइड वाली में एक फेर भी रख दिया ना तो वो अंदर ही जाएगा। तो अब मैं आपको गिल्लोड़ी से मिलाती हूँ, चलो। ये बड़ी वाली ताई जी, और ये ताई जी के साथ काम करवा रहा है इधर, है ना शिवांश? गिलोड़ी, ये दे पता है इसको, इसका नाम गिलोड़ी। गिलोड़ी इस बार उतनी नहीं डर रही, पिछली बार तो हाथ नहीं लगाने दे रही थी। इसके पैर पर बट्टू भाई मार दी थी, गिर गई थी बट्टू भाई से। गिल्लोड़ी बड़ी हो गई है, तो आप भी मिल लो हमारी गिल्लोड़ी से जो अब डर रही है। शेष तो साइड हो जाएगा और कितनी अच्छी है ये तो। और वो रही इसकी गिल्लोड़ी की माता श्री, जो कि हमें इसके पास नहीं आने दे रही है, इसीलिए हम चलेंगे वरना ये खुट्टा ही तोड़ देगी अपना, जिस पे ये बंधी हुई है ना उसको ही तोड़ के बाहर जाएगी। और ताई जी हो गई अदृश्य, नहीं वहाँ पे है कोने में, तब तो वहाँ चलते हैं, फिर आते टाइम हैंग ऑफ कर लेंगे। हाँ फुआरे, ये रहे देखो फुआरे, ये देखो कितने हरे भरे लास्ट तक, कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब ताई जी ये काट रही हैं चारा, फिर इसको ताई जी वो मशीन भी थी ना एक छोटा छोटा करने वाली, फिर इसको वहां से छोटा छोटा करेंगे एकदम बारीक, और फिर उनको दे देंगे, उसमें डाल देंगे छाननी में। और अब ऐसे ही कभी महेंद्रगढ़ गए, कभी यहाँ के, कभी उधर के, ऐसे ही आएंगे वीडियोस, क्योंकि अब पड़ गई हमारी छुट्टियाँ। सबसे मज़े की बात तो यही है, एक छुट्टी ना पड़े, ऐसे करें छुट्टी पड़ जाए, अब की बार छुट्टी ना पड़े, भगवान ऐसा रोल बनाए कि छुट्टी ना पड़े बच्चों, सारे दिन भर स्कूल में रहे। क्या है फिर मम्मियों की तो मौज ही हो जाएगी, घर भी खरीदने का, बस एक बार समा दिया गए 2 दिन का। तो अब एक बार ताई छानी काट लेती हैं, उसके बाद बात करेंगे, नहीं तो आप लोग पक जाओगे। तो जी काफ़ी कमेंट्स आते हैं और शायद तक आज भी आएंगे, क्योंकि जब देखते हैं तो कमेंट करते हैं कि राखी की मम्मी ने व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी। तो आप लोग देख रहे हो कि इतना काम होता है यहाँ पे, तो बस ये है कि जिस काम की आदत पड़ी हुई है, जो काम करते हैं उस काम के साथ साथ ये व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे,
तो इन्होंने फिर धीरे धीरे करके बंद ही कर दिया। और बच्चों की स्टडी चल रही थी, पहले बच्चे एडिट कर लेते थे, बाद में बच्चों ने छोड़ दिया कि नहीं हम अपना पढ़ाई करेंगे। और आप सबको पता है हमारे यहाँ पे कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करते हैं। बस उसी चक्कर से इनकी व्लॉगिंग बंद हो गई। तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो में मैंने नैनी को बोला, मैंने कहा तू और तेरे ताई जी जा रहे हो तो व्लॉग बनाना ताकि सब लोग मिल लें और सब लोग देख सकें। जी देखो यहाँ पे कितने सारे जो फूल पौधे वो उगा रखे हैं दीदी ने और ताई जी ने और विशाल भाई ने और ताऊ जी ने, मतलब सब ने उगा रखे हैं। ये यहाँ पे आ गया बिट्टू भाई, किस चीज़ का था ये विशाल भाई? ये वाला गुड़हल। ये गुड़हल का, ये गुलजारा, और ये क्या है इसका नाम उनको पता नहीं है। यहाँ पे ये जो भी छोटी अपने पास थी वही वाली है, ये भी गुलजारा। फिर ये आ गया मोरपंख थी ना, ये आ गया मोरपंख का। ऐसे दो हैं, एक ये है और एक उधर भी है साइड में। हाँ मोरपंख, और इसका नाम नहीं जानती। ये देखो कितना प्यारा है ये वाला। यहाँ पे भी बिच्छू पट्टी आ गई, यहाँ पे भी। अब ये आ गई इधर तुलसी माता, ठीक है। इसके बाद में ये वही वाले फूल हैं। अब ये भी शायद तुलसी माता ही है। फिर ये गुलजारे, और ये फिर से आ गई मोरपंखी जो कि अच्छे से वो हो रही हुई है, अब अच्छे से ग्रो हो गई है। फिर यहाँ पे फिर से वही पौधा, और इसका नाम मैं नहीं जानती। फिर साइड में बिच्छू पट्टी, तो ये कुछ उगा रखा है। और यहाँ पे शायद ताऊ जी सोए थे और ताई जी ने इतनी देर में अपनी पूली जो भर ली है वो। चले ताई जी, तो इसको भर के ताई जी ने अपने सिर पे रख लिया। ये देखो, तो अब चलेंगे घर पे, फिर आगे की प्रोसेस दिखाऊंगी आपको कैसे कुछ इसको काटेंगे। चलो, तो जी अब घर पे पहुंच गए हैं और ये छानी जाएगी इधर। रखी ये रे पापा। अब इसको थोड़ी बहुत देर यहाँ पे रख के फिर उस उधर मशीन है ना उससे काट लेंगे। और यहाँ पे पूरा वो सूखा वाला टुकड़ा है, अब थोड़ी देर में मिलते हैं। तो जी सुबह के बज गए 10, पर नहाना धोना हो चुका, मम्मी नहाने गई है, बाकी सारी फैमिली नहा चुकी। और ये देख पिन मैं बाहर लगाती क्योंकि मेरे यहाँ पे ना देखो लगा, ये लोहा जहाँ पे टच होता है ना, मतलब गोल्ड के अलावा कोई भी चीज़ हो, गर्मियों में मेरे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। कई लोगों के होते होंगे, आप लोगों में से जिसके होते हों कमेंट में बताना। और अब चलते हैं। ये देखो ये दोनों टीवी के पास बैठ के बिस्किट खा रहे हैं। ये हमारी राखी देख चिड़िया लेती थी तो मेरे पास भी, लेकिन मैंने पटक दी इधर उधर। और खाना बनाने की तैयारी हो रही है। शर्मा जी की टी शर्ट मैंने धोई नहीं, भूल गई मैं, बाकी कपड़े मैंने धो दिए, कपड़े सुखाऊंगी। यहाँ ना लू बड़ी खतरनाक चलती है साहब, मैंने कपड़ा की बाल्टी लेनी है, कपड़ा सुखाना है, कान में पानी घुस गया। आज हम बहुत देर तक नहाए, घंटों, क्योंकि यहाँ पे पानी आता है अच्छा। तेरी मम्मी की कनपट्टी में मार भी देगी तेरे तो, जना तेरे तो बहुत मार ली। तेरे तो जना कोई लगाए हो चट्टू रोती जाती आंसू आता जाता।
जाएगी साड़ियां कपड़ा लगा हुआ है तकनी दो ये रही है मेला साड़ी जो मेला सूखा तेला सूख तीन पांच तकनी पांच तेला सूख गए थे ते चार सो है ना कहीं भी नहीं होगा ना आज ना होगा ठंडा ठंडा पानी में हमारे ये मसा नहीं खेली मसा आज अरे गाई गा कोई समझ तो खड़े को ने तो जी अब करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ हम लोगों की लैंग्वेज किस किस को समझ में आई वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं और भाभी जो बात करते हैं, आज मैंने ओरिजिनल साउंड रखा है आप लोगों के लिए।